सर हरियाणा में आ, से हूँ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए रिंकू कुमार बोल रही हैं 2020 के बाद वाला हूँ मैं भी 2020 21-22 में 18 परसेंट सी है 22-23 में 23 थ्री परसेंट सी है 23-24 में 36 सिक्स परसेंट सी एच आर कैश में ट्रेड करता हूं सर क्या 40 परसेंट सी पॉसिबल है कैश ट्रेडिंग से प्लीज़ गाइड कीजिए आप संभाल के रहो आप 2020 के बाद आया हो ये 18, 20, 25 का रिटर्न जो है ये मार्केट में वन वे राली दिया है मिड एंड स्मॉल कैप्स में और वो सब स्टॉक में आपको बहुत केयरफुल होना होगा बिकॉज जिस दिन मार्केट पलटी मारेगा ये नीतीश कुमार वाली पलटी नहीं होगी कि पल्टी मार के वापस फिर डबल समर सॉल्ट करके उधर वही पोजिशन पर आ गया ये पलटी मारने की चेष्टा जब बाजार करेगा ये इन्फीरियर बिजनेस मॉडल स्टॉक्स में तो फ्लैट ऑन इट्स बेली गिरेगा और उस समय आपको समझ के चलना होगा कि आपको एग्जिट भी समझ नहीं आएगा मैं क्या करूं फिर आप बोलेंगे मेरा तो 200 का लिया हुआ यार 160 में क्या बेचूं रहने दे वो स्टॉक होगा एक सौ आप बोलेंगे यार 160 में नहीं बेचा 140 में क्या बेचें स्टॉक होगा एक आप बोलेंगे एक में नहीं बेचा आप एक में क्या बेचें तो बिजनेस मॉडल अगर अच्छी हो कंपनी की बिजनेस क्वालिटी अच्छी हो तो ऑब्वियसली फिर उस समय अगर घटेगा तो आपको और डालना है नागराज बन के बैठना है आपका भाव वापस आ जाएगा और जब ये सब स्टॉक्स के भाव वापस बढ़ेंगे तो उस समय आप एक चीज ध्यान रखना आप कि आपके जैसे बहुत जन फंसे हुए होंगे उस स्टॉक्स में जो सबको एग्जिट करना होगा ये बात कोई भी चैनल में न टेलीविजन चैनल न यूट्यूब में कोई बोलता है कि पॉपुलर स्टॉक्स जो हैं वो बढ़ते टाइम बढ़ते हैं और एक बार घटना शुरू कर दिया फिर वो बढ़ते नहीं हैं फिर वो मोटा हाथी भी हो जाते हैं तो वो कंसेप्ट से आपको समझना चाहिए आपको ऐसा स्टॉक लेना है जो रियली हाई आर करता हो प्राइसिंग पावर हो कंज्यूमर फेसिंग हो अपने लखी हलवाई का दिमाग में लगाओ लखी हलवाई की दुकान कैसे चलती है बीस का जलेबी का पच्चीस कर दिया सीधा तो भी लोग लेंगे हर हाई है उसका कैपिटल लगता नहीं उधार में खरीदता है कैश में बेचता है सिंपल कंसेप्ट है तो कैश कन्वर्जन साइकिल उसका छोटा है रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है मार्जिन ज़्यादा है कैपिटल नहीं चाहिए और ग्रोथ ग्रोथ की प्रॉब्लम है बट लखी हलवाई को ग्रोथ के लिए नई नई दुकानें खोलेगा तो ग्रोथ भी मिल जाएगा उसको वैसे देखना चाहिए